सुई खदान से दनिया सड़क निर्माण को लेकर नगरवासी और क्षेत्रवासियों ने मिलकर कल 11 बजे चक्का जाम कर दिया, जो लगभग 2.5 घंटे तक चली। अधिकारियों के मान मनोबल उपरांत चक्का जाम समाप्त किया गया। ज्ञात हो कि दिवंगत विधायक राजा देवव्रत सिंह के अथक प्रयासों एवं क्षेत्र की जनता की मांग के अनुरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस शासन में इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग सुई खदान से दनिया सड़क निर्माण की मांग के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो नगर की जनता को लगा था कि उक्त सड़क निर्माण से नगर विकास को नई दिशा मिलेगी और इस नगर सहित क्षेत्र की जनता को अच्छे दिन की आस जग गई थी। लोक चर्चा की माने तो पूर्व में इस सड़क के माध्यम से यह नगर सीधे दुर्ग से जुड़ जाती तो क्षेत्र में नगर के व्यापार बेरोजगारों को इसका सीधा लाभ हो सकता। सड़क निर्माण के लिए निविदा भी जारी हुआ, फाइनल भी हुआ, कार्य प्रारंभ हुई। सड़क निर्माण दनिया की ओर से प्रारंभ हुआ था, नियमानुसार मुआवजा चेक के माध्यम से भुगतान हुआ, अतिक्रमण हटाए गए, परंतु छुई खदान दनिया के नाम से स्वीकृत सड़क ठीक छुई खदान नगर की सीमा में आकर पिछले 2 साल से अधिक समय से रुक गई है। इस बीच उक्त सड़क का निर्माण के नाम पर छुई खदान शहर की सड़क से जुड़े हुए मकान व्यवसायिक दुकान तोड़ दिए गए, कुछ स्थानों पर नाली निर्माण हेतु खुदाई भी की गई, कुछ निर्माण भी किया गया, लेकिन सड़क दिन ब दिन खराब और खराब होता चला गया, जिसे लेकर नगरवासी ठेकेदार के मनमानी से काफी परेशान दिखे। नाली निर्माण और सड़क निर्माण में हो रहे देर से सड़क पर जानलेवा गड्ढे बन गए, जो लगातार दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है। इसे लेकर वार्ड वासियों ने तहसीलदार के माध्यम से पूर्व में ज्ञापन प्रशासन को दिया था, लेकिन आज पर्यंत तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं होने से सड़क का कार्य जानलेवा गड्ढे में तब्दील होता जा रहा है। इस कारण छात्र छात्राएं नगरवासी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा सुध नहीं लिए जाने से नगरवासी बेहद परेशान और आक्रोशित दिखाई दिए। भारी वाहन बस ट्रक आदि के आने जाने के चलते ट्रक पर भारी भारी गड्ढे बनते जा रहे हैं, लोगों के दैनिक जीवन खतरा में बनता जा रहा है। उक्त सड़क के तत्काल निर्माण को लेकर के नगर के सक्रिय राजनीतिक लोग समाचार पन्नों के रिपोर्टरों आम नागरिकों की ओर से बारम्बार आवाज उठा रहे हैं। आवेदन पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, परंतु न तो प्रशासन की आंख खुल पाई, न ही ठेकेदार नींद से जाग पाया। समय निकलता गया और बरसात आ गई। सड़क की चरमराई व्यवस्था को देखते हुए मोहल्ले की महिलाओं की ओर से नगर के विभिन्न लोगों से संपर्क कर अंतिम निर्णय लेते हुए 16 अगस्त को चक्का जाम का निर्णय लेकर आंदोलन किया गया, जिसके लिए निमतः अपने निर्णय की सूचना प्रशासन को समय पूर्व दी गई और अंततः आम नागरिकों की एक मंच के द्वारा 16 अगस्त को सुबह 10 बजे से बिजली ऑफिस चौक पर पहले धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद चक्का जाम किया गया, जिससे समाज सेवा एवं राजनीतिक पत्रकारिता व्यवहार सहित कृषि मजदूरी से जुड़े लोगों के द्वारा न केवल आंदोलन को अपना समर्थन दिया अभितु मौके पर अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज कराकर आंदोलन को सफल बनाने में अपना सहयोग भी प्रदान किए हैं। बरसात में जो नाली निर्माण का काम है और मेंटेनेंस का काम है वो कंटिन्यू चलते रहेगा, और जो मेन सड़क निर्माण कार्य है जैसे डामरीकरण वगैरह है वो बरसात बंद होने के बाद ही किया जा सकता है। तो दोबारा मौका भी मतलब चक्का जाम जो किया है मैडम, इतने सारा कई बार अवगत करते गए हैं, हमेशा करते हैं, अवगत करते हैं, फिर भी उसका निर्णय करने की मोहलत मांगा गया आपके साथ? उसका कारण ये था कि कुछ लोगों का जिनका घर हटाना है ना, उन लोग नहीं हटाए, क्योंकि एडीबी के द्वारा उनको हटाने का भी पैसा दिया गया था जी, जी। लेकिन कुछ कोर्ट जैसे कारण और भी जो अन्य समस्या है उसके कारण घर नहीं तोड़ा जा सका है, तो उसी के कारण देर हुआ है जी, जी। तो अब जो ऐसे ही बरसात खत्म होगा तो जो घर बचे तोड़ने के लिए उनको तोड़ कर सड़क निर्माण के कार्य। आज हम लोगों ने पूरे नागरिक सर्वदलीय नगर विकास मंच के आह्वान पर छुई खदान नगर के सभी दल के लोग शामिल हैं कि क्योंकि 4 साल से हम लोग इस रोड के लिए काफ़ी परेशान हैं। 4 साल पूर्व माननीय दिवस से इस रोड पर किया था और विगत 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी छुई खदान शहर का 1 से 1.5 किलोमीटर का रोड है जो आज तक बन नहीं पाए, इसका कारण सभी लोग मुआवजे को आगे लगभग लोग ने स्वतः रूप से अपना घर भी मकान तोड़ कर जो इसी बैठे हैं। नाली भी नहीं बन पाई, इतना नालियों का पानी पूरा रोड में बह रहा है, अगर ये नाली भी बना देते तो ये नौबत नहीं आती। आज छोटे छोटे बच्चे कम से कम 10-12 गांव के बच्चे प्रभावित होते हैं, साथ ही शहर के बच्चे लोग आते हैं और लगातार गिर रहे हैं सही जल पाता, इसके कारण पूरे छुई खदान नगर पंचायत के हम पार्षद हो गए और घर पर भी इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, हम लोगों को आकर 24 घंटा लोग अधिक करते हैं कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग पैसा खाए तक का बात। अभी छुई खदान नगर पंचायत का जन समस्या निवारण स्कीम लगा था, उस मोहल्ले में कोई हमारी टीम बैठी थी, सारे लोग आके पूरा चढ़ाई कर दिया और गाड़ी लोग चालू कर दिए कि नगर पंचायत के पार्षद जो पैसा खाया।
उसके कारण हम लोगों को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और सर्वदलीय नगर विकास मंच के माध्यम से आज हम लोग चक्का जाम किया करीब 2 से 3 घंटे का। तो ADP के अधिकारी AGO आए थे, शायद कलेक्टर साहब बाहर गए हैं, सर रायपुर है की सूचना प्राप्त हुई है, तो AGO मतलब और उन लोग लगभग पूरा फूल आश्वासन दिए कि जैसे ही बारिश थमता है 2-4 दिन में नाली का काम तो तुरंत चालू हो जाएगा और थोड़ा मौसम सूखने के बाद डामरीकरण कार्य भी शुरू कर देंगे और दिसंबर तक के ये रोड का काम पूर्ण करके देंगे करके पूरे सबके जनता के सामने आश्वासन दिया है। अगर 1-2 महीने में रोड का काम अगर नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरा सर्वोदय नगर विकास के आह्वान पर हम लोग इससे भी बड़ा करेंगे, उसके बाद हम किसी की बात नहीं। जी नाम और पद? मैं संजय मोहिया अध्यक्ष नगर पंचायत सुल्तान कदीरी। जी सर बताएंगे कि जो अभी बात सामने आई है कि मलबा के पैसे को निकल ठेकेदार के द्वारा निकाला गया है, क्या मामला है? गलत बात है, मलबा हटाने के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को पूरा पैसा दिया गया है, वो जब नहीं हटाया तब ठेकेदार द्वारा उसको हटाया जाता है, तो ठेकेदार को हटाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का पैसा मिलता है, लेकिन तोड़ने का काम शिफ्टिंग का काम उसका व्यक्ति का है। ऐसा क्या कारण है सर जिसके कारण नागरिकों को धरना प्रदर्शन करने की और चक्कर जाम करने की? धरना प्रदर्शन करना तो उचित नहीं है, इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण पूरा किया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोल पाइपलाइन और वृक्ष और घर ये सब हटाने में विलम्ब हुआ, मेरे द्वारा पूरा पैसा दे दिया गया है लेकिन विद इन टाइम नहीं हटाया गया जिसके कारण कार्य करने में विलम्ब हुआ। ड्रेन का काम मेरा चल रहा है, मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, क्योंकि रोड पूरी तरह खत्म हो गई है तो जितनी भी गिट्टी डालूंगा मैं बारिश में सर्वाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मेरा मेंटेनेंस कंटिन्यूस चल रहा है, बारिश के बाद निर्माण कार्य दुर्गति पर प्रारंभ किया जाएगा और कार्य दिसंबर तक पूर्ण कर भी लिया जाएगा। सर नाम बता दें। SS साहू असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एडीपी प्रोजेक्ट।